नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज अब से कुछ ही देर के बाद होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इस मॉनसून सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि इस वक्त तेजस्वी यादव चार्ज शीटेड है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग का एक मुद्दा बिहार में गहमाया हुआ है और जदयू वर्सेस आरजेडी की तनातनी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार का बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार होगा। सरकार कई बड़े निर्णय ले सकती है, सरकार कई बड़े कदम उठा सकती है। तो क्या हाल होगा इस बार के मॉनसून सत्र का, सरकार की क्या खास तैयारी है और अब से कुछ ही देर के बाद क्या कुछ होने वाला है, जानते हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र सोमवार से आरंभ होने जा रहा है। शुक्रवार तक चलने वाले सत्र में दोनों सदनों की 5-5 बैठकें होंगी। सर्वदलीय बैठक में भाजपा के बहिष्कार को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। खासतौर से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का तेवर हमलावर हो सकता है। सरकार ने भी सत्र को लेकर खास तैयारी की है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि मॉनसून सत्र छोटा किंतु महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्यों के अधिकतम सवाल लिए जाएंगे तथा उन पर सरकार का जवाब होगा। मॉनसून सत्र की रणनीति बनाने को लेकर राजनीतिक दलों ने सोमवार को ही विधानमंडल की बैठक रखी है। सत्ताधारी महागठबंधन के विधायक दल की बैठक विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दिन में सदन की कार्यवाही के बाद होगी। जदयू विधानमंडल दल की बैठक संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर रखी गई है। गौरतलब है कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तेवर सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करके दिखा चुकी है और अब सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के छोटे होने को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सत्र छोटा होने की वजह से बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, सरकार सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा रखा गया है। वहीं आपको बताते चले कि शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं डोमिसाइल नीति को हटाने के लिए 11-12 जुलाई को राज्य के शिक्षक भी पटना में घेरा डालो डेरा डालो प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं बीजेपी भी शिक्षकों और अभ्यर्थियों के समर्थन में 13 जुलाई को विधानसभा तक मार्च करेगी। इससे पहले आज भी विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और ACS के पाठक के बीच चल रहे विवाद का मुद्दा भी विधानसभा में गूंजेगा। साथ ही लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में CBI ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर है। बीजेपी सदन में तेजस्वी से इस्तीफे की मांग करेगी। इसके अलावा भागलपुर खगड़िया अगवानी पुल के ढहने के मामले में कार्रवाई को लेकर भी सदन में हंगामा मचना तय माना जा रहा है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। जहां ये विधान मंडल का सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है, तस्वीरें हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से दिखाएंगे। देखने वाली बात तो ये होगी कि विपक्ष इस बार क्या कुछ मुद्दे उठाते हैं और किस तरीके का हंगामा किया जाता है। हालांकि कई मुद्दे हैं जो कि इस बार बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।